जिम में आने वाले हैं, और ये बोल रहा है कि तुम्हारा टायर बहुत जल्दी जाएगा। भाई जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद नया टायर लगवा लेंगे। पर आप सबके कमेंट के ऊपर मैंने मंगाया था अपोलो का अल्फा S1, और ये यहाँ की गंदगी है, इसे नज़रअंदाज करते हैं। और थोड़ी देर में भाई बर्नआउट मारते हैं, मैं ट्राई करूँगा पहले रोलिंग बर्नआउट मारने की, अगर उससे होगा या नहीं होगा। बहुत प्यारी है। और लुक एट दिस व्यू, ये क्या है आपको पता है? ये 440 वाट का झटका है। अरे अभी फटका पड़ेगा यहाँ पे। तो लेट्स गो बॉयज, ट्राई करते हैं अपना रोलिंग बर्नआउट, फर्स्ट होता है या नहीं होता हमसे। तो गाइस अभी हम मारेंगे अपनी बाइक के ऊपर बर्नआउट, और रोलिंग बर्नआउट मारने की ट्राई कर रहा हूँ पर नहीं मार सकता। तो अपन नॉर्मल बर्नआउट मारेंगे, तो उसके अंदर पूरा टायर अपन गंजा करेंगे, और आप सबको मालूम है मेरे टायर के अंदर ग्रिप वगैरह नहीं है और उसके रबड़ वगैरह भी दिखने लगे हैं। तो फटाफट से मारते हैं अपन बर्नआउट और इन्जॉय द वीडियो। और भाई वीडियो पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा करना चाहिए, क्योंकि आप सबके कमेंट के ऊपर मैंने अपोलो का टायर मंगाया जो कि मेरे बजट से बाहर का था, फिर भी मैंने मंगाया, बट अब आप सबको सपोर्ट करना है। बाकी लेट्स डू इट, करते हैं अपन बर्नआउट। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? भाई भाई बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था यार, फोड़ दिया है, देखो टायर का पूरा फट चुका है गाइस। और देख रहे हो भाई, ये क्या कर दिया भाई? भाई टायर पूरा चला गया, टायर फट चुका है, और अब तो मुझे टायर चेंज कराने के लिए भी जाना पड़ेगा। आया तेरी मम्मी देखेगी फिर फाड़ देगी भाई, मुझे वापस टायर चेंज कराने के लिए शॉप तक जाना पड़ेगा। फुल मजा आया भाई, अब देखते हैं भाई क्या सीन होता है। और ये भी देखो भाई अपनी NS जो कि कुछ अभी ऐसी लग रही है। और लिटरली बताऊँ ना गाइस, मैं बर्नआउट मारते मारते भूल गया क्या, मेरा टायर का बिल्कुल ग्रिप वगैरह नहीं है, कम ग्रिप है, तो दिमाग पूरा ख़राब हो गया। बाकी ये रहा मनीष भाई का बीस्ट, जो कि चेक करो क्या लग रहा है। और मुझे कसम से बताओ ना, अब फेयरिंग बाइक का है तो ये का मैं आपको चेक करवाता हूँ मेरी बाइक का, कहाँ से टायर फटा है। तो आपको चेक करवाता हूँ कहाँ से टायर फटा है। तो ये चेक करो, पूरा फट चुका है। और ये भाई बहुत गलत सीन हो गया भाई, और अब इसको घर पे चेक कराना, हालत खराब होने वाली है। तो अब मुझे घर पे लेके जानी है इस बाइक को, और ये वीडियो मेरे को जल्द से जल्द अपलोड करना पड़ेगा ताकि घर पे पता चले, उससे पहले मैं इसको पूरा चेंज कर दूँ। बाकी आप देख सकते हो कितना वो हो चुका है। और अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा टायर चेंज करवाने के लिए शॉप पे, दूर में। बाकी भाई आज का मौसम वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है, ये चेक करो। तो अभी मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे, जहाँ तक मैं लेके जाऊँगा। और ये रहा अपना टायर अपोलो, तो मिलते हैं सीधा आपको बाइक पे। तब क्या करना पड़ेगा? आ चुके हैं बाइक पे, और चेक कर लो भाई, अब निकलते हैं, देखते हैं पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। सो यहीं से घुमा लेते हैं, बाकी टायर उतना है नहीं,
तो बिल्कुल आराम से चलना पड़ेगा। बाकी गाइस मैं आपको सीधा मिलता हूँ जहाँ पर मेरे को टायर चेंज करवाना वहीं पे, क्योंकि भाई मैं इतना लंबा वीडियो नहीं करना चाहता और लास्ट में वहीं पे जाके स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मिलते थोड़े देर में बॉयज। हम भाई बनार से पूरा बदाशा तक जाना पड़ेगा जब जाके हमारा कहीं टायर चेंज होगा, क्योंकि बनार साइड में कोई टायर चेंज करने वाली शॉप नहीं है। जो है उसका मिस्त्री भाई बाहर छुट्टी मनाने गया है और हमारा दिनमान अभी इतने ख़राब चल रहे हैं भाई, पीछे वाले टायर में हवा नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा फ्लैट टायर है, लेकिन हम फिर भी गाड़ी को चला रहे हैं। तो भाई थोड़ी सी गलती मेरी है जो मैंने जाके वहाँ मारा, तब कि मुझे यहीं कहीं भाई सिटी के अंदर मार लेना चाहिए था, ज़्यादा पब्लिक के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। बट अब कोई नहीं, चलते हैं वहाँ पे और जल्दी से जल्दी चेंज करवाते हैं। और पापा को लेने भी जाना है, पापा का फ़ोन आ रखा है कि उनकी गाड़ी कोई मिस्टेक हो गई है, तो पापा को लेने के लिए भी जाएंगे और देखते हैं बाकी क्या सीन होता है। बाकी मिलते हैं सीधा थोड़ी देर में आपको शॉप पर। अभी अपनी बाइक के टायर के अंदर हो रखा है सीन, जो ऑनलाइन टायर मंगाया था वो टायर क्या है हल्का सा कट मार रखा है, और इसको चेक करवाया था तो काफ़ी टाइम लगी थी इसको सेट वगैरह कराने में भी, और लास्ट में जाके जब टायर में कटा हुआ निकला तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। और मैं उसकी पिक्चर वगैरह इसमें ऐड कर दूंगा वीडियो में, और आप देख लेना कभी भी ऑनलाइन अगर कोई टायर वगैरह मंगाओ तो एक बार उसे चेक जरूर करना। बाकी अब देखते हैं कल मॉर्निंग में टायर नया लाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट से मिलेगा ऑलराउंडर वो भी मुझको लगभग 3,000 का ही पड़ रहा है, तो कल देखते हैं। बाकी तो भाई जब टायर डल जाएगा उसके बाद पूरा वीडियो वगैरह बनाने की ट्राई करता हूँ। बाकी तो मूड ऑफ हो रहा है तो मुझे द नेक्स्ट डे। और ये टाइम अभी शाम का समय है और लगभग 8 बजने का आ गई है, टाइम हो चुका है 7:44। तो ये वो भाई साफ बात बताऊँ ना, तो मैं आपको बस ये की सजेशन दूंगा कि कभी भी भाई ऑनलाइन टायर वगैरह मंगाने की गलती मत करना। जो गलती मैंने की, जो मेरा टायर था अपोलो का अल्फा एस वन रात सबके कमेंट पे मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मुझे मालूम नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ, टायर ख़राब था, कंपनी में मैंने अमेजोन में वापस इसको रिफंड के लिए डाला है और उन्होंने बोला है 5-6 दिन का रिफंड लगेगा, लेकिन हम इतना दिन रुक नहीं सकते थे, मुझे नया टायर भी डलवाना था, बाइक में छोड़ नहीं सकता था, बस एक ही बाइक है जिससे मेरा डेली का आना जाना रूटीन एक तरह का यही है। बाकी मैंने फिर भाई लास्ट में जाके MRF का टायर लगवाया, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं पड़ा है लेकिन बजट के अंदर है, और मेरा बजट भी ठीक था, मेरे पास पेमेंट वगैरह था, थोड़ा दोस्तों से जुगाड़ करके कुछ पेमेंट का जुगाड़ लगाया है। बाकी मैंने अभी तक अपनी बाइक के अंदर लगवा दिया भाई MRF का टायर, और लास्ट ऑप्शन यही था मेरे पास, इसलिए चेक कर लो ये MRF का टायर मैंने लगवाया, ये चेक करो MRF का टायर मुझे आखिरकार लगवाना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जल्द से जल्द लगवाना भी था तो यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन था। बाकी भाई आगे वाला टायर भी है जो मैंने MRF का लगवाया, और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था MRF का, मुझे लगता काफ़ी सही लगता है, रफ एंड टफ में ठीक है, आप जिस तरह की हम राइड वगैरह करते हैं उसमें MRF ठीक लगता है मेरे को, मनीष ने भी यही बताया मेरे को। बाकी गाइस जो पुराना वाला टायर है वो ये रहा मेरे साथ, मैं इसको घर पर ले जा कर रखूँगा, कंपनी वाले ने बोला कि इससे रिप्लेस नहीं होगा, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तो गाइस यही बोलूँगा ऑनलाइन चीज़ कभी मत मंगाना जो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उस चीज़ के लिए। बाकी उम्मीद करते हैं ये वाला ब्लॉग आपको बढ़िया लगा होगा, और कमेंट में ज़रूर बताना जो हमारी NS का बर्नआउट था वो आप